मेरा भी आपसे यही सवाल है कि शाहरुख खान अब इतना बड़ा स्टार बन चुका है, इतना महंगा स्टार बन चुका है कि अब और कोई प्रोड्यूसर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ही प्रोड्यूसर है अब जो शाहरुख खान को अफोर्ड कर सकता है और उस प्रोड्यूसर का नाम है शाहरुख खान। एक्चुअली ये नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं बहुत सालों से ऐसा कहता आ रहा हूँ और ये जो भी प्रोड्यूसर हैं जब मेरे तरफ फिल्म के लिए मुझे बुलाते हैं या आमंत्रित करते हैं तो मैं कहानी सुन के या जो भी रीजन है उसके लिए फिल्म कर लेता हूँ, लेकिन मैं कभी फिल्म का पैसा नहीं लेता हूँ। मेरा हमेशा लॉजिक यही रहा है कि पहले हम फिल्म बना लें और अगर कुछ बच जाए या हम कमा लें तो देन वी ऑल कैन शेयर इट, बट आई हैव नेवर हैड एनी काइंड ऑफ अनअफोर्डेबिलिटी। हाँ, मैं एक्चुअली अनअफोर्डेबल नहीं हूँ, प्राइसलेस हूँ, क्योंकि मेरा प्राइस नहीं है। एक बात शाहरुख आप बताइए बहुत ईमानदारी से, हम अलग अलग अखबारों में पढ़ते रहते हैं या गॉसिप सुनते रहते हैं, शाहरुख खान एक पिक्चर का 50 करोड़ लेता है, शाहरुख खान एक पिक्चर का 70 करोड़ लेता है, 40 करोड़ लेता है, आप असल में एक पिक्चर के कितने पैसे लेते हैं? इफ यू आस्क एनी ऑफ माई प्रोड्यूसर्स इन द लास्ट 10 फिल्म्स, कभी आपसे इंटरव्यू का मौका मिले कोई और फिल्म के लिए या कोई और न्यूज में, तो वो आपको बताएंगे कि हम जाते हैं कहानी सुनाते हैं, शाहरुख जब हाँ कह देते हैं तो उसके बाद यही बोलते हैं कि अगर पैसा बच जाए तो दे देना, नहीं तो मैं ऐसा मजाक करता हूँ, लोग उसको पॉम्पस समझते हैं प्रिंट में कि सब ऐसा किंग खान बोलते हैं, अगर किंग ने मांग कर लिया तो क्या लिया, सो इफ अगर बच जाता है कुछ रह जाता है तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं।